खिलों की भावनाओं को पैदा करने के मकसद से ब्रिगेडियर सरदार प्रीतम सिंह को समर्पित यादगार खेल प्रतियोगिता की शुरुआत सिंबल कैंप क्षेत्र में बुधवार को हुआ, जिसका उद्घाटन स्थानीय निवासी बुजुर्ग नारायण सिंह द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर BDC चेयरमैन दिलीप कुमार, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, सरपंच राजा सिंह, समाज सेवक बलबीर सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और सारी संगत सारे, क्योंकि असी भी जिस इलाके रहिंदे हां उत्थे भी गल चल रही सी कि बहुत अच्छा किया उन्हां ने उपराला करके, ते ए जो काम किया है उन्हां नूं याद किया है, ये साडा एक फर्ज बनता सी, क्योंकि बाकी भी हर कोई याद करता है। तो प्लीज जिसने भी साइकिलिंग करनी है और नाम रजिस्टर को सर सामने छोटे नहीं चलो असि लेट के तुझे खूनिया पा लो खुने लफ्ज है, तो ये चीजा के उन्होंने बड़ी भावी की है, बहुत भावी की है, असल देश है मुबारकपुर का गल है कि यह स्पोर्ट्स मेला जड़ा है ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की याद में मनाया जा रहा है। सब तो वड्डी गल है जो मैं कहना चाहता, जिस वक्त कबालिया ने हमला किया 1947 साढ़े लोगों ते उन्होंने बचाने वाला ये वाइस शकच, एक भुखमरी तो जान माल तो ये वाइस शकच सी जिसने बचाया। एक गल मैं होर कहना चाहता, इन्होंने जहाज ग्राउंड 15 दिनों में बनाया, उस वक्त पूछा गया कि ये तुसी कबर पुट के जहाज ग्रांट बनाया है, तो उन्होंने कहना पता की सी, उन्होंने आख्या मैं जिंदे लोगों वास्ते उन्होंने बचाने वास्ते हाँ, मैं मरिया नहीं बचाना, वो तैयार नहीं मरियान। ये एक वड्डी गल सी जिहड़ी सरदार प्रीतम सिंह ब्रिगेडियर ने साडे लोगों लई के अज उहदा सिट्टा है, बड़ी देर तो बाद साढ़े लोगों भी याद आई कि असी भी उन्हों का कोई दिन बनाइए। अब तुम देख रहे हो एक स्पोर्ट मेला जोड़ा है वो बनाया जा रहा है। नीरज साहब से आज यहां आए हैं, आप देखते हो कि पंचायत मखनपुर में सरपंच जितेंद्र सिंह नथु द्वारा एक खेल प्रतियोगिता की गई है। ये सरदार रजिंदर सिंह जी की कुछ समर्पित ये प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी खेल प्रतियोगिता जो प्रोग्राम रखे गए हैं, इस तरह के प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, ये हमारे जो यूथ हैं उनका भविष्य भी बनाते हैं, और खासकर जो कुछ नशे की तरफ जो यूथ जा रहा है उसके लिए भी ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि वहाँ से बच्चे को जाने से रोकता है। आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।